हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर। और आज दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ बना रहा हूं, क्योंकि मैंने कुल 36 डे यूज़ की है अपनी चप्पल। जो मैंने अड्डा कंपनी की चप्पल खरीदी थी थोड़े दिन पहले, वो मैंने सिर्फ 36 दिन यूज़ की है। और 36 दिन बाद इस्तेमाल करने के बाद अब मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे उसको देख के। मैंने दोस्तों अड्डा चप्पल के ऊपर अपने YouTube चैनल पे एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, जब मैंने इन चप्पलों को खरीदा था। तो मैंने उस वीडियो में इन चप्पल के बारे में सब कुछ बताया था टोटल। और इनकी जो कॉस्ट थी वो 499 थी, 500 रुपये की ये मैंने ये चप्पल खरीदी थी। 500 रुपये की कोई मामूली चप्पल नहीं आती, अच्छी चप्पलें आती हैं 500 रुपये की। तो दोस्तों 36 दिन बाद इस्तेमाल करने के बाद जो मैं आपको दिखा दूं, ये आप इनका सोल देख लीजिए। सोल बाकायदा अभी वैसा का वैसे ही है, सोल बिल्कुल खराब नहीं हुआ है, जैसा सोल था वैसे ही सोल है। चप्पल की आप कंडीशन देख लो, कंडीशन भी बिल्कुल सही है चप्पल की। आपको दिखाई दे रही होगी खुद, आप दोनों चप्पलों की कंडीशन देख लो, बिल्कुल एकदम सही है, सोल सही है। पर 36 दिन बाद इस्तेमाल करने के बाद इनमें क्या हुआ, और दोस्तों इसका कारण क्या है, ये किस तरीके से टूटी। मैंने इन चप्पलों को, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल इस्तेमाल में ली है, सिर्फ आने जाने में। कोई मैंने इनसे खेत का काम नहीं किया, भाग दौड़ नहीं की, इन चप्पलों से कुछ नहीं किया। नॉर्मल मैंने इस काम के इस्तेमाल में इन चप्पलों को लिया है। दोस्तों ये टूटने का क्या कारण है, जो ये रबड़ की इसकी स्ट्रिप है, ये पीछे की साइड नहीं है, एक क्या होता है, एक अलग से आती है जो पीछे की साइड भी होती है, ये इसी के अंदर सेट होती है। तो ये वहीं से अंदर से दोस्तों टूट गई है, चल नहीं पाई। दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, मैं कोई कंपनी को दोस्तों बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि अड्डा कंपनी कोई बेकार है या कुछ ऐसी बात है। बस मैं आपसे कहूँगा यार, 500 रुपये के आप अगर चप्पल खरीदोगे तो ऐसे खरीदो कि आप भी सोचोगे कुछ इस बात को कि आपके एक दो साल चले। मेरे कुल 36 डेज मेरे चप्पल चले हैं, और देख लो आप लोगों के सामने हैं, और ये सही भी नहीं हो सकते, ये इस तरीके के टूटे हैं, क्योंकि ये रबड़ है, रबड़ ये सही नहीं होती। तो दोस्तों अब क्या बोलूँ मैं इस बात पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अड्डा चप्पल के बारे में मेरे YouTube चैनल पे मैंने देखा है, ये सेकेंड वीडियो है जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, अड्डा चप्पल। अड्डा चप्पल के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करके जो मेरी पिछली वाली वीडियो उसको देख रहे हैं, यही रीज़न है मैं आप लोगों को अड्डा चप्पल के बारे में आज बता रहा हूँ ये वाली वीडियो बना के, ताकि आप लोग भी धोखा ना खा जाएं कि आप भी इस तरीके की चप्पल खरीद लें और आपके साथ भी यही हो जो आज मेरी साथ हुआ। और दोस्तों मैं कंपनी से भी कहना चाहूँगा कि उनको भी इस चीज़ में थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि चप्पल बाकायदा पूरी चप्पल मजबूत है, ये अच्छी चप्पल है, सोल बहुत ज़्यादा मजबूत है, नायलॉन का सोल है इसका, बहुत ज़्यादा मजबूत है। मार्बल पे अगर फर्श पे यूज़ करने के बहुत ही अच्छा है ये, पर इसमें एक सिर्फ कमी यही है कि इसका जॉइंट सिर्फ यहीं तक ही सीमित है और यहाँ से ये उखड़ जाता है, बस यही मेरे को एक कमी लगी अड्डा चप्पल के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की मेरी यही बहुत छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के सामने, और इनका तो कुछ नहीं होने वाला, मैं अब नई चप्पल खरीदूंगा तो उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरी देख रहे हो वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को इसका सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल अब ठीक तरीके से ग्रोथ कर रहा है दोबारा, क्योंकि मैं बीच में अपनी कॉलेज में चला गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, और अब फिर से मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो लाने लगा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।